टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस के आरोपी राहुल नवलानी को गुरुवार को सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। राहुल को 19 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी राहुल नवलानी के वकील राहुल पेठे ने बताया, पुलिस अभी तक वैशाली, राहुल और दिशा नवलानी के मोबाइल से कोई भी डाटा रिकवर नहीं कर सकी है। साथ ही इस बात का भी पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर सकी कि राहुल नवलानी ने वैशाली ठक्कर की सगाई तोड़ने के लिए उसके मंगेतर को मैसेज भेजे थे या उसे धमकाया था। इसी ग्राउंड पर सेशन कोर्ट ने गुरुवार को राहुल नवलानी को जमानत दे दी है। आपको बताते चले कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। सीरियल से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली वैशाली ठक्कर ने 16 अक्टूबर 2022 को साईबाग कॉलोनी खंडवा रोड स्थित अपने घर में सुसाइड कर लिया था। वैशाली का जन्म 15 जुलाई 1993 को उज्जैन में हुआ था। बचपन में ही उनका परिवार इंदौर शिफ्ट हो गया था। वैशाली ने अपना ग्रेजुएशन भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से पूरा किया था। ये 15 अक्टूबर 2022 को टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने इंदौर में आत्महत्या करी थी और एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उस सुसाइड नोट पर से पुलिस तेजाजी नगर द्वारा राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी के खिलाफ 306/34 का मामला पंजीबद्ध किया गया था। दिशा नवलानी को माननीय सत्र न्यायालय द्वारा 17/11/2022 को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया था और राहुल नवलानी 3 महीने से जेल में था। आज हमने उसकी जमानत याचिका प्रस्तुत की थी। चार्जशीट 16/12 को पुलिस ने फाइल कर दी थी और प्रकरण सत्र न्यायालय में 2800 सत्र न्यायाधीश महोदय श्री धर्मेंद्र कुमार सोनी के अंतरित हुआ था। वहां पर कल हमने जमानत की अर्जी पेश की थी। आज उस जमानत याचिका पर सुनवाई की गई और राहुल नवलानी को 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए गए।